Chandur. So watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. Hello everyone. वेलकम बैक अगेन. तो स्टैंडर्ड 8 में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो उस वीडियो में हमने देखा कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन के कितने, पॉलीगॉन को किस तरह से क्लासिफाइड किया है. फिर हमने पॉलीगॉन के टाइप्स भी देखे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. फिर हमने रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स देखे थे. एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड करना है किसी भी पॉलीगॉन के, या आपको नंबर ऑफ साइड्स किस तरह से फाइंड करने हैं किसी भी पॉलीगॉन्स के, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा है. तो आज हम उन सब इंफॉर्मेशन पर जो बेसिस है कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 जो लिए मैंने कोल्डवा के बुक से. तो उसमें से कुछ खास एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन 8 है. अब क्वेश्चन 8 में क्या पूछा है, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 5-साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर 5-साइडेड पॉलीगॉन जिसे हम कहते हैं पेंटागॉन, इज 3 times द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर टेकागॉन. तो पेंटागॉन का जो इंटीरियर एंगल है उसका मेजर डेकागॉन के एक्सटीरियर एंगल के 3 times होता है, ये हमें प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले पेंटागॉन का इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना होगा और फिर डेकागॉन के एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना होगा. तो इसके जो फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में देखे वही से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी विल फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन. तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमें पहले उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. सो आई विल राइट हियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन. ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या है वो है 360 डिग्री अपॉन यन, और इसमें यन क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स. तो पेंटागॉन को कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं. सो वी राइट हियर 360 डिग्री अपॉन 5, नाउ डिवाइड इट, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 72 डिग्री आ गया है एक्सटीरियर एंगल. अब हम फाइंड करेंगे इसका इंटीरियर एंगल. सो आई विल राइट हियर इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन इज इक्वल टू, अब इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल. सो वी विल नाउ पुट वैल्यू, सो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री दैट इज इक्वल टू आ गया 108 डिग्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें डेकागॉन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. अब अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं इस तरह से. और डेकागॉन में कितने साइड्स होते हैं, तो 10 साइड होते हैं. सो विल राइट हियर नाउ देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन, अब n की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 10, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 10 होते हैं. सो 0 0 गेट कैंसल, यू गेट 36 डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है. अब आपको यह देखना है कि इसका जो मेजर आता है इंटीरियर एंगल का 108 डिग्री, क्या ये इसका 3 times है, तो आप चेक कर सकते हो साइड में. 36 × 3 करो, 3 6 18 8 कैरी 1 3 9 + 1 10, तो ये प्रूव होता है. सो विल राइट हियर देयरफॉर 108 डिग्री इज 3 times ऑफ 36 डिग्री, देयरफॉर वी कैन राइट हेंस प्रूव. तो आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप यहां पे लिख सकते हो इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑफ अ पेंटागॉन इज 3 times द एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन. सो विल राइट हेंस इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन इज थ्री टाइम्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन प्रूव. इस तरह से हमने इसे प्रूव किया. Got it? Next question we will see.
क्वेश्चन नंबर 11. डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो 1:5. तो एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो हमें दिया है 1:5 और हमें पूछा है कि वो पॉलीगॉन को कितने साइड्स है. तो हम मान लेते कि उसको एक साइड से. ओके, सो लेट नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन बी एक्स. नंबर ऑफ साइड्स एक्स है. अब हमें एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो दिया, तो पहले हम इस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, फिर उसका इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे और फिर दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे जो इक्वल टू होना चाहिए 1:5 के बराबर. सो देयरफॉर वी विल राइट एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन यन. यन होता है नंबर ऑफ साइड्स, सो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन साइड है हमारे x, सो आई विल राइट हियर x. अब हम इसी का फाइंड करेंगे इंटीरियर एंगल. अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल. ओके, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे तो एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड कर लिया है, सो आई विल राइट हियर 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एक्स. ओके, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर एक्स होना चाहिए, तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट 180 डिग्री एक्स माइनस 360 डिग्री अपॉन एक्स. तो ये हो गया हमारा आंसर. अब क्या करते हैं, हम इसका रेशियो लेते हैं. ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, एक्सटीरियर और इंटीरियर इन दोनों एंगल्स का रेशियो है 1:5, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है 360 डिग्री अपॉन एक्स रेशियो, और इंटीरियर कौन सा आ गया 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एक्स. सॉरी, यहां पर भी एक्स है. ओके, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों में से 180 कॉमन भी निकाल सकते हो. तो यहाँ पे अगर हम 180 कॉमन निकालते, सो यू गेट 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, ये इस तरह से हो जाएगा. तो इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/5, मतलब 1:5 हमें दिया है. अब इसको हम करेंगे सॉल्व. अब देखो, रेशियो मीन्स होता है डिवीजन, और डिवाइड करना मीन्स रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना. सो यू गेट 360 डिग्री अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 180 डिग्री एक्स माइनस 360 इज इक्वल टू 1/5. अब एक्स एक्स कैंसिल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 से 360 मल्टीप्लाई करना 1 से इसको, सो यू गेट 1 से इसको पहले करो, तो 180 डिग्री एक्स माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 5. अब आप क्या करो, ये माइनस 360 डिग्री है वो उसको राइट साइड में लेके जाओ, देयरफॉर यू गेट 180 डिग्री एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 5 माइनस 360 डिग्री. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या करो, दोनों में से 360 को कॉमन निकालो, सो यू गेट 180 डिग्री एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू, तो यहाँ रह गया 5 और यहाँ रह जाएगा 1, तो 5 माइनस 1 होता है 4, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 4, सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 4 अपॉन 180 डिग्री. अब 180 से 360 को डिवाइड करो तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 4, दैट इज इक्वल टू आ गया 8. तो वो जो पॉलीगॉन था उसको नंबर ऑफ साइड्स 8 है. इसमें अगर क्वेश्चन ऐड किया तो उसका नाम बताओ, तो 8 साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है, ऑक्टागॉन है. सो यू कैन राइट देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 8. देयरफॉर यू कैन राइट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज 8. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12. इन द एडजॉइनिंग क्वाड्रिलेटरल
एबीसीडी, ये एबीसीडी एक क्वाड्रेंटल हमें दिया है। एओ एंड बीओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये जो है एओ सेगमेंट और बीओ सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट एंगल ए और बी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके दो इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। सो एओ एंड बीओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली। ओके, देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल एओ बी मतलब एओ बी इसका जो मेजर है, ये मेजर एंगल सी और डी का एडिशन का हाफ है, सी और डी के सम का हाफ होता है एओ बी। अब देखो ये वो अगर बायसेक्टर है तो मतलब ये वाला और ये वाला एंगल सेम हो गया, बीओ इसका बायसेक्टर है तो ये और ये दोनों एंगल सेम हो गए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते कि ये क्वाड्रिलेटरल दिया है तो फोर एंगल की एडिशन कितनी आती है। सो विल राइट इज इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, अब क्या करना है सी प्लस डी को उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी। ओके, या तो माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी हो जाएगा, फिर माइनस साइन कॉमन निकल के यही मिलने वाला है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, इसका हमें आगे काम है इसलिए हमने इक्वेशन वन लिखा। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल लगाओगे तो तीन एंगल की एडिशन 180 आ जाएगी। अब ये वाला जो एंगल है ये है हाफ ऑफ बी ए डी, तो इसको हम ए के फॉर्म में ही लिखेंगे, तो हाफ ऑफ एंगल ए। ओके, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला, इन तीनों की एडिशन दिखानी है तो इसका नाम हम लिखेंगे ओ ए बी। अब ओ ए बी क्या है, इस ए का हाफ है तो इसलिए हमने लिखा डायरेक्ट हाफ ऑफ एंगल ए, प्लस इसी तरह से इसको लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल बी, प्लस तीसरा एंगल है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब इन दोनों में से हाफ कॉमन निकालो, सो वी गेट 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्या करो ए ओ बी को उस साइड में लेके जाओ, देयरफॉर वी गेट हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी। अब टू को उस साइड में लेके जाओ, यहाँ पे टू डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, सो देयरफॉर यू गेट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू टू, इसी इनको मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी। गॉट इट, टू यहाँ डिवीजन में था इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो टू से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करो तो इनकी जो एल एच एस है सेम है तो आर एच एस भी सेम हो जाएगी। सो वी गेट 360 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी। और 360 डिग्री कैंसिल हो गया, दोनों साइड में माइनस साइन है उसको भी रिमूव कर दो, और यहाँ पे टू जो है मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो फिर डिविजन में, सो यू गेट एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। तो इस तरह से ये प्रूव होता है, सो विल राइट हेंस, यहाँ पे लिख लो आप हेंस प्रूव, इस तरह से ये एग्जांपल है। व्हाट इफ वी विल से क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मीन्स ऐसा हेक्सागन जिसको तो 6 साइड है और वो सभी साइड्स इक्वल है सेम लेंथ के। फाइंड ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी। तो हेक्सागन में हमें एक ट्रायंगल बनाना है ए बी और उसके तीनों एंगल्स का मेजर हमें फाइंड करना है। तो चलो पहले तो हम एक हेक्सागन बना लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा बन गया यहाँ पे हेक्सागन, थोड़ी साइड कम कर लेता, सो दिस इज अ हेक्सागन। अब इसको मैं नाम दे देता तो यहाँ से स्टार्ट करता ए बी सी डी ई एफ, हमेशा अल्फाबेटिकली नाम देने हैं, या तो क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो। अब यहाँ पे देखो इसमें ट्रायंगल ए बी ई देखो कहाँ पे ए बी ई, अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी ई।
तो हमें यहाँ पे इन तीनों एंगल्स के मेजर फाइंड करने हैं। एक तो हो गया इसका एंगल, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों के मेजर हमें किस तरह से फाइंड करने हैं, चलो देखते हैं। अब रेगुलर हेक्सागन के हर एक एंगल का मेजर कितना होता है वो हमें पता नहीं, तो हम उसको पहले फाइंड करेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पे एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ए बी ई किस तरह से फाइंड करेंगे इस एंगल को। तो ये जो है बी ई, ये क्या करता है, ये ए बी सी एंगल को बाइसेक्ट करता है। फिर ये जो है ये बी ई, ये ई, ये ई डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो चलो उस तरह से पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इन ए बी, इन हेक्सागन, हेक्सागन ए बी सी डी ई या, तो हर एक इंटीरियर एंगल्स का मेजर फाइंड करेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स का मेजर फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन यन, यन यानी 6 हो गया नंबर ऑफ साइड्स, सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर वी विल राइट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर 180 डिग्री माइनस होता है एक्सटीरियर एंगल जो है 60 डिग्री, सो यू गेट हियर 120 डिग्री। तो अगर आपको पता है रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एग्जांपल आपको रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर डेकागन इस तरह के इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखो, तो हमें तो अभी इंटीरियर एंगल मतलब एक एंगल मिल गया, एंगल ये हो गया 120 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों के एंगल फाइंड करने के लिए इसका सहारा लेते। तो पहले हम फाइंड करते हैं एंगल बी। तो एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 120 डिग्री अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 है, ठीक है, तो ये अब ये दिखते ही आपको पता चल रहा है कि दिस इज अ राइट एंगल। अब एंगल ए इज इक्वल टू दिया है हमें 90 डिग्री। अब ये जो है ये बाइसेक्टर नहीं होता है इसका। और नेक्स्ट हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है, ए ई बी, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई वी गेट एंगल, इसका नाम हमें थ्री लेटर्स में लिखना है ई ए बी, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एंगल ई ए बी या फिर एंगल बी ए ई, ओके। और यहाँ पे एंगल बी की जगह लिखते हैं हम एंगल ए बी ई, तो हियर आई विल राइट एंगल ए बी ई। सो ट्रायंगल ए बी ई में एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई ए बी प्लस एंगल, इसका नाम है ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और वैल्यू पुट अप करो, ए बी ई है 60 डिग्री और ई ए बी है 90 डिग्री प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। सो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 90 प्लस 60 150 होता है, तो 180 माइनस 150 करो, सो यू गेट 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये हमें मिल गया 30 डिग्री। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 90 डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा 30 डिग्री। तो इस तरह से ये एग्जांपल है, गॉट इट। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर। तो पेंटागन के पांच एंगल्स का मेजर हमें यहाँ पे x के टर्म में दिया है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पेंटागन के पांच एंगल्स का मेजर कितना होता है अगर आपको पता नहीं, तो उसके लिए हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सो यू गेट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला किसी भी पॉलीगॉन के लिए लगता है, पेंटागॉन हो, हेक्सागॉन हो, ऑक्टागॉन हो, ओके। n की वैल्यू कितनी है, n यानी नंबर ऑफ साइड्स, तो पेंटागॉन को तो 5 साइड्स होते हैं, सो विल राइट हियर 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, सो यू गेट 3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 54 यानी 540 डिग्री। अब सभी एंगल्स का मेजर के एडिशन 540 है, तो इन सब के एडिशन कितनी होनी चाहिए, 540। सो विल राइट हियर देयरफॉर
एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस टू एक्स माइनस सेवन प्लस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स एक्स एक्स टू एक्स एक्स टू एक्स ये हो गए लाइक टर्म्स, इनके एडिशन करो 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2x 5x प्लस x 6x प्लस x 7x सो यू गेट हियर 7x माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 11 और माइनस 7 होते हैं माइनस 18 माइनस 18 और माइनस 2 होते हैं माइनस 20 सो माइनस 20 इज इक्वल टू 540 डिग्री। देयरफॉर माइनस 20 को ट्रांसपोज करो 7x इक्वल टू 540 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 560 डिग्री। ओके तो x की वैल्यू फाइंड करो x इज इक्वल टू 560 डिग्री अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। गॉट इट? थैंक्स। सो हाउ वाज आवर दिस वीडियो? अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल गर्ल्स मैथ्स फाउंडेशन ब्रेन जिम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको पता चले कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।